क्या आप बगैर किसी फिक्र के ड्राइव करना चाहते हैं? तो आपका इन 12 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आइए हम इन्हीं में से स्पार्क प्लग्स के बारे में सीखते हैं। स्पार्क प्लग इंजन के हेड में फिट किया जाता है। स्पार्क प्लग्स चिंगारी पैदा करते हैं जो हवा और ईंधन के मुरक्कब को भड़काती है। इससे धमाका होता है जो कि इंजन को चलने की कुव्वत देता है। स्पार्क प्लग्स का मुआयना 10,000 किलोमीटर पूरे हो जाने पर या 6 महीने गुजर जाने पर करवाइए। इन्हें 30,000 किलोमीटर या 18 महीने गुजर जाने पर तब्दील करवाइए और न्यू स्विफ्ट के लिए 10,000 किलोमीटर या 8 महीने पूरे हो जाने पर स्पार्क प्लग्स तब्दील करवाएं। स्पार्क प्लग्स बर वक्त तब्दील ना करवाने की वजह से ये फरसूदा हो जाते हैं और सही तरह से काम नहीं कर पाते। ऐसी सूरत में ये सिलेंडर्स को बंद भी कर सकते हैं। ईंधन ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, इंजन की कारकर्दगी मुतासर हो जाती है, कचरा ज्यादा जमना शुरू हो जाता है। फरसूदा स्पार्क प्लग्स के साथ गाड़ी चलाने से इंजन का सिलेंडर बंद हो जाता है। इसके बरक्स बर वक्त स्पार्क प्लग्स तब्दील करवाने के बड़े फायदे हैं। इंजन लंबे अरसे तक चलता है, बेहतर माइलेज मिलती है और बेफिक्र होकर ड्राइविंग के मजे लिए जा सकते हैं। और हाँ, हमेशा जेन्युइन स्पार्क प्लग्स ही यूज करें क्योंकि इनके इंसुलेटर्स बेहतरीन मायार के होते हैं। ये सुजुकी इंजन्स के साथ मुताबिकत के लिए टेस्ट किए हुए होते हैं। इसके प्लग्स को रेट किया हुआ होता है और इनकी तफसील बयान शुदा होती है। इसके कॉपर इलेक्ट्रोड्स इंजन की कारकर्दगी को बेहतरीन बनाते हैं। इसके थ्रेड को बारीक बीनी के साथ डिजाइन किया जाता है। इससे इंजन की जिंदगी लंबी हो जाती है, जबकि नॉन जेन्युइन स्पार्क प्लग्स के इलेक्ट्रोड्स गैर मायारी और मेटल के होते हैं। इनसे इंजन की कारकर्दगी मुतासर होती है। इनका गैर मायारी थ्रेड डिजाइन इंजन की जिंदगी को मुतासर करता है। ये सुजुकी इंजन से मुताबिकत नहीं रखते हैं। इनके इंसुलेशन मटेरियल की तफसील नहीं होती है। लिहाजा हमेशा याद रखें, जेन्युइन चार्म्स नॉन जेन्युइन हार्म्स।